हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ, और वो भी शूट कर रही हूँ मैं रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप लुक। यस फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये सारा मेरा लुक देखकर समझ ही गए होंगे, मैंने ये मेकअप लुक जो क्रिएट किया है वो रिसेप्शन के लिए क्रिएट किया है। आप अगर पार्लर नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप कैसे अपने घर में इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये लहंगा अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये लहंगा मैंने jetki.com से बाय किया था। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स कीप ऑन वॉचिंग। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो की मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी, और मैंने यहाँ पर म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउ पॉमेट लिया है, और मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, और एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्राउज़ को फिल इन कर लिया है, और एक स्पूली की हेल्प से जो भी प्रोडक्ट लगाया था उसे अच्छे से स्मच कर देंगे। देन मैं यहाँ पर कलर लुक का कंसीलर ले रही हूँ, ये लाइट कलर है, और इसके बाद जो भी आई शेडो लगाएंगे तो अच्छे से वो पॉपअप होकर आएगा, और एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्मच कर दूंगी। देन यहाँ पर मैं MN का HD कॉम्पैक्ट लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैंने पेपर टेप लगा लिया है ताकि जो एजेस हैं शार्प आ जाएंगी आई शेडो की। यहाँ पर मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और एक ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर वर्गंडी शेड लिया है, स्मचर ब्रश है, और क्रीज़ को डिफाइन कर रही हूँ मैं, और आपको अच्छे से स्मच करना है, और जितना प्रोडक्ट मुझे चाहिए उतना मैंने 2-3 बार में ले लिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इस कलर को भी मैं क्रीज पर अप्लाई करूँगी, तो वर्गंडी और जो ब्राउन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छे से आएगा, और आपकी क्रीज बहुत ही नीट दिखेगी, और अच्छे से आपको इसको स्मच करते जाना है। देन इसके बाद मैंने एक एंगल ब्रश लिया है, और मॉर्फी की इस पैलेट में से ये ग्रेश ब्लैक कलर है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है, ग्रेश ब्लैक कलर है, इसको मैं आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। हाफ ही लगाना है इसको, फुल नहीं लगाना है, तो मैं इसे इस तरह से हाफ लगा रही हूँ आउटर वी पर। देन इसके बाद मैं इसको अंदर तक क्रीज पर लेके जाऊँगी, क्रीज लाइन डिफाइन कर दूँगी मैं यहाँ पर, तो जिसको क्रीज नहीं करना आती है, कट क्रीज नहीं करना आती है, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उन लोगों के लिए। देन एक स्मॉल ब्रश लूँगी, और वहाँ पर मैंने कंसीलर लिया है, और हाफ आईलिट पर मैं ये कंसीलर लगाऊंगी, और इस तरह से अगर आप आईज़ ब्लिंक करेंगे तो आपको एक शेप पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक ये कंसीलर लगाना है, और बिल्कुल स्लोली स्लोली इस प्रोसेस को करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, नहीं तो पूरी आईज़ का जो हम लोगों ने क्रीज पर कलर लगाया है वो सारा ख़राब हो जाएगा। देन ये मैं एक कॉम्पैक्ट, आप कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हैं, और ये मॉर्फी की पैलेट में एक स्किन कलर है, मैं उससे इसको सेट कर लिया है। देन इसके बाद मैंने ये लाइट शेड लिया है, बिल्कुल पीच लाइट मेटालिक शेड है, और कॉपर दोनों को मिक्स कर मैंने जितना एरिया में कट क्रीज किया था उसके उस पर मैं इसको कलर को फिंगर से अप्लाई कर दूँगी। देन इसके बाद मैंने ये ग्लिटर यूज़ किया है, ये DIY ग्लिटर है, और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से, और ये DIY ग्लिटर बहुत ही अच्छे हैं, 10 आवर्स तक आपके ये ग्लिटर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं, और बिल्कुल भी इसका फॉल आउट नहीं होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 आवर्स तक आपके ग्लिटर आपके आँख पर ऐसे ही चिपक जाएंगे, और बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं। तो ये ग्लिटर का वीडियो ज़रूर देख लेना, आई बटन पर लिंक है इसका, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना कि आप लोग DIY ग्लिटर कैसे बना सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर SQ का आई लाइनर लगा रही हूँ, और एक विंग्ड लाइनर क्रिएट करूँगी मैं। और बहुत अच्छे से आप ये देखना कितना अच्छा ये लुक आ जाता है जब हम ये टेप निकालते हैं, तो ये एजेस एकदम शार्प बनती है। देन यहाँ पर मैं लैक्मे का काजल अप्लाई कर लूँगी वाटर लाइन पर,
और यहाँ पर मैं वाटर लाइन पर एस क्यू का आईलाइनर लगा रही हूँ और एक डबल विंग क्रिएट करूँगी, जिससे आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है जब हम उसके नीचे आईलाइनर लगा देते हैं। और डबल विंग भी मैंने क्रिएट कर दिया है, तो जिससे आपकी आंखें अच्छी लगेंगी और बड़ी बड़ी लगेंगी। दैन इसके बाद मैं ये कॉलोसिल का मेबिलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, हाइपर वॉल्यूम कर्ल मस्कारा है, कॉलोसिल आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, मेबिलिन का मस्कारा है ये। और इसको अपर एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लेना है। अब मैं कर रही हूँ फेस मेकअप, तो मैंने यहाँ पे बायोटेक का सीरम अप्लाई कर लिया है, बहुत ही अच्छा होता है ये विंटर के लिए, और नॉर्मली आप इसे समर में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, चिपचिप बिल्कुल नहीं करता है, बहुत अच्छा सीरम है ये। और फुल फेस पर मैंने सीरम को अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैं NY बेकअप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, बहुत बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा प्राइमर का वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। फुल फेस पर अच्छे से लगा लेना है, टी जोन एरिया पे ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पर मैं आइकॉनिक का सिल्वर पिंक इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डूई लुक चाहती हूँ, क्योंकि जो ब्राइड होती है उनका जो फेस होता है उसे डूई होना चाहिए, इल्यूमिनेटिंग और ग्लॉसी लुक आता है इसे लगाने से, तो इसका मैंने बेस बना लिया है इस तरह से। देन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबिलिन का फिट मी फाउंडेशन, मेरा शेड है 115 आइवरी और ये मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छा मैच करता है, तो मैं इसे फुल फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और आप इसकी फिनिश देख सकते हो फाउंडेशन की, बहुत बहुत अच्छी आने वाली है। तो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है तो आपको मेरी नेक थोड़ी सी ब्लैक दिखेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेम ब्लैक सेम अच्छे से आपके स्किन टोन से मैच कर जाएगा ये कलर। अगर आपका स्किन टोन मेरे तरह है तो आप इसे इसी तरह यही शेड ले सकते हैं, 115 आइवरी फुल फेस पे अच्छे से 1 और 2 लेयर मैंने इसकी लगाई थी, क्योंकि ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ तो मैं इसको अच्छे से 2 बार लगा लिया है मैंने इस फाउंडेशन को। ब्लेंड कर रही हूँ मैं पूरे अच्छे से फेस पर, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है और डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। और नेक पर भी मैंने अप्लाई कर लिया, कलर लुक का ही मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्मज कर रही हूँ कंसीलर को। फेस देखो आप कितना ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया है। कॉन्टोरिंग के लिए मैं NYB की कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ फुल फेस को कॉन्टोर करने के लिए। मैं यहाँ पर MN का पाउडर यूज़ कर रही हूँ फेस को बेक करने के लिए। तो अभी जैसे कि विंटर है तो मैं फुल फेस को बेक नहीं करूँगी, मैं अंडर आई को बेक करूँगी और जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग किया था उसकी एजेस को शार्प दिखाने के लिए वहाँ पर मैंने इस पाउडर को यूज़ किया है। देन हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है 6 to 7 सेकेंड के लिए, उसके बाद मैं इन सबको डस्ट ऑफ कर दूँगी तो आपको क्रीजिंग नहीं होगी और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देन यहाँ पर मॉर्फी की पैलेट में से मैं ये ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन
कलर मैंने पिक किया है, और कॉन्टोरिंग मैंने इसी पैलेट से कर लिया है क्योंकि अच्छे कलर्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग है मॉर्फी के, तो अलग से आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में से ब्राउन शेड लेकर कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं, पहले मैंने क्रीम किया देन मैंने पाउडर किया। नोज़ को भी शार्प कर रही हूँ मैं इसी कॉन्टोर पाउडर से। देन मैं यहाँ पर मियोन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत ब्लश है, बहुत ही अच्छा आता पीचेस रेड टोन में ये ब्लश है, और आप देखो बहुत ही अच्छा जाता है ये चीक्स पर। मैं मियोन का ये यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर 05 रेडियंट, उसमें से मैं ऊपर वाला शेड जो इसमें है ग्रेश सिल्वर शेड है, सॉरी ग्रेश नहीं है, और तो इसमें से सिल्वर जो ऊपर वाला शेड था तो वो मैंने फुल फेस को मैं हाईलाइट कर लूँगी, और देखो कितना प्यारा लुक आ गया है फुल फेस को हाईलाइट करने के बाद। टियर डक को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। देन हाफ वाटर लाइन को भी मैं इसी से इसके नीचे एक हाफ स्ट्रोक कर लूँगी क्योंकि इससे आपकी आईज़ ओपन लगती हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है, आई लुक बहुत ही अच्छा लगता है नीचे अंडर आई के नीचे भी इसको अप्लाई करने से। देन यहाँ पर मैं ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, लिप लाइनर आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं लिपस्टिक लगाने से पहले, लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले आप लिप लाइनर ज़रूर यूज़ कर लें क्योंकि इससे आपका जो लिप्स का शेप है बहुत अच्छा आता है, और आपको जैसा भी शेप करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर मियोन की ही बहुत प्यारा सा शेड मैं मेंशन कर दूँगी, राइट नाउ मुझे इसका शेड नंबर याद नहीं आ रहा है, नेम याद नहीं आ रहा है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कौन सी लिपस्टिक है। तो बहुत ही प्यारी मेरे लहंगे से मैच करती हुई ये लिपस्टिक है, वो मैंने अप्लाई कर ली है, और सेटिंग स्प्रे के लिए ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली फ्रेंड्स बहुत बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेटिंग स्प्रे है ये, और फ्रेंड्स ये मेरा फाइनल फिनिश लुक है जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, एंड आई होप यू फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्राइडल मेकअप लुक अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।